हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि रिव्यूअर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एबीसी हमारा एक ट्रायंगल है, इस पर एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये बीडी इक्वल्स टू डीसी है, ये बता रहा है हमको, और ये दोनों 90 डिग्री है बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम सब मैं साइन लगा दे रहा हूँ कि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स भी आपके इक्वल हैं। क्या शो करना है, प्रूफ क्या करना है, सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलीज ट्रायंगल इन विच एबी इक्वल्स टू एसी। तो आपने ये पढ़ा है कि आइसोसेलीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, होते हैं ना। हाँ, तो हमको ये दोनों ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल कर देना है प्रूफ आपस में, तो हमारा ये ट्रायंगल आइसोसेलीज ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपका एक कॉमन दे रखा है ना, फिर यहाँ पर दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो आप इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझको चाहिए। मैं इसको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जब हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे तब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने गिवेन लिख रखा है, प्रूफ क्या करना है इसको भी लिख रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। ये जो क्वेश्चन में है वही है, यहाँ पर भी मैंने जो आपको इस फिगर में भी समझाया वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं फटाफट से। प्रूफ आप देखिए, राइटिंग थोड़ी गंदी है इसके लिए, आई एम सॉरी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एडीबी, ये एक फर्स्ट ट्रायंगल है मान लीजिए हमारा, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हमको प्रूफ करना है, 1 2 दो ट्रायंगल्स है ना। तो देखिए अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, हमारा एडी जो है कॉमन हो जाएगा, एडी इक्वल्स टू एडी कॉमन आ जाएगा ना। हाँ, फिर ट्रायंगल एडीबी, सॉरी एंगल एडीबी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी क्यों होगा, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। फिर क्या लिख सकते हैं हम, बी डी, अभी मैंने आपको बताया बी डी इक्वल्स टू डी सी है ना, क्यों होगा, बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये है, देन देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी, किस रूल के हेल्प से हुआ है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखा कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जिसका आपको बेसब्री सा था इंतज़ार वो अब आ गया है आपके आंखों के सामने। साइड एंगल साइड की हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक साइड है, फिर एक एंगल है, फिर एक साइड है, तो साइड एंगल साइड आपको क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा था तभी आपको तब पता चल गया हो कि कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम अब इन दोनों साइड्स को कैसे आपस में इक्वल प्रूव करेंगे, तो इसके लिए देखिए बहुत ही सिंपल सा है, सीपीसीटी से हो जाएगा कि नहीं। इसको तो मुझे को लग रहा है कि अगर मैं यहाँ तक भी करके छोड़ दूँ तो आप आगे कर लेंगे, तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई सीपीसीटी, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ,
बाई सी पी सी टी हो गया प्रूफ। यहाँ पर इसको आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं, सो इट इज़ प्रूव्ड दैट इज प्रूव्ड दैट ट्रायंगल ए डी ए बी सी इज अ आइसोसेलीज ट्रायंगल। रीजन में आप यहां लिख सकते हैं बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो यहां तक मुझको ये उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।